बाइनोमियल। देखिए इसमें एक्स का पावर 4 वाला कौन सा टर्म है, पहले वो पहले हम लोग एक जनरल टर्म ले लेते हैं, टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा, 10 CR एक्स बाई टू का पावर 10 - R -1 का पावर R और 3 by x² का पावर R। चलिए 10 CR एक्स का पावर 10 - R, 2 का पावर 10 - R, -1 का पावर R, 3 का पावर R और बाई में x का पावर 2R। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, टी आर प्लस वन इक्वल टू में 10 CR, यहाँ पर देखिए 3 का पावर R by 2 का पावर 10 - R, कॉन्स्टेंट वाले को एक तरफ कर लेते हैं, -1 का पावर R, डिवाइड पावर घट जाएगा, x का पावर 10 - 3R। जो लिखते हैं बाई इक्वेटिंग x का पावर 4 and x का पावर 10 - 3R। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू में 10 - 3R, इधर आके +3R, ये जाकर उधर 10 - 4, 3R इक्वल टू में 6, यानी कि R इक्वल टू में 2 आ जाएगा। तो 2 रखते हैं, 10C2, 3 का पावर 2, 2 का पावर 10 - 2, -1 का पावर 2 और यहाँ x का पावर 10 - 3 इंटू में 2। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 10C2 का 10 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल और 10 - 2 का फैक्टोरियल, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का पावर यहाँ पे कितना है, 8 है, तो 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 8 जो हो जाएगा 256 हो जाएगा, ये 1 प्लस का यहाँ x का पावर 4 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 10 इंटू में 9 इंटू में 8 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 और इंटू में 8 का फैक्टोरियल और 9 बाई में 256 x का पावर 4, ये इसे इसे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब कुछ कटने वाला है, इसको काट सकते हैं इसे 5 से, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 405 - 81 - 85 = 405/256 x^4। तो हमें क्या निकालना था, कोफिशियंट ऑफ x^4, तो जो है आपका 405 और बाई में 256। आंसर देखिए ऑप्शन में कौन सा है जी, ऑप्शन में ए नंबर आंसर दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए।